गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू दी एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कोरिंग सिस्टम स्टूडेंट्स एज यू नो वी रिसेंटली कंडक्टेड अवर फुल फाउंडेशन फोर विच वॉज अकॉर्डिंग टू दी जे के बोर्ड पैटर्न स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पेपर विद यू जैसे कि बच्चे स्क्रीन पर आपको एक तरफ क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहा है बच्चे एक तरफ एक आंसर शीट शेयर हो रही है अब देखते हैं इस बच्चे ने पेपर कैसे किया और पेपर में क्या क्या गलतियाँ की सबसे पहले बच्चे बात करते हैं इन्होंने पेपर शुरू किया है सेक्शन बी से सेक्शन बी में बच्चे तीन क्वेश्चन थे वन टू थ्री 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 के क्वेश्चन थे फर्स्ट क्वेश्चन था रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस सेकंड था मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड थर्ड था रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सिक्स में इन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस लिखा मगर डिफरेंस के दो ही पॉइंट लिखे इनको एक पॉइंट वो लिखना चाहिए था यहाँ पर तो री अकाउंट हमें पता है कि अब हम क्या करते हैं जब पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है या डेथ होती है या प्रॉफिट शेयरिंग रिशू चेंज होती है तो हम फिर से रीवैल्यू करते हैं किसको एसेट्स को चेक करते हैं लाइबिलिटीज को चेक करते है कि हैं कि बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं तो उस केस में हमें रीवैल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट तब बनाना पड़ता है जब फर्म डिजॉल्व हो जाती है सारे एसेट्स होल्ड कर देते हैं हम लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए तो बच्चे री re अकाउंट इसलिए बनाया जाता है फिर आता है रिवेल्यूशन अकाउंट जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं जब हम कंपनी रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं ठीक है तो ये तब बनता है जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाती है तो इनको एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहिए था यहाँ पे इनसे गलती हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं तो बच्चे पार्टनरशिप डीड हमें पता ही है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में जिसमें पार्टनर्स एक डीड बनाते हैं कि हमने प्रॉफिट कैसे शेयर करना है हम सैलरीज देनी है कि नहीं, नहीं देनी है कोई लड़ाई होगी झगड़ा होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें डीड में लिखी गई होती हैं ठीक है थीके? अब फीचर्स पूछे गए हुए हैं नेम ऑफ द फर्म नेचर ऑफ द फर्म प्लेस ऑफ द फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द फर्म तो ये सारा उसके फीचर्स में आ सकता है कंटेंट में भी आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट जो था बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग पूछा गया हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट हमें पता ही है जब फर्म डिजॉल्व हो जाती है सारे एसेट्स हम सोल्ड कर देते हैं लाइबिलिटीज पे करने के लिए तो उस केस में हमें रिलाइंस अकाउंट बनाना पड़ता है तो बच्चे ये क्वेश्चन उन्होंने ठीक लिखा हो इस मार्क्स क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ए बी पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया फोर इस टू तो थ्री सी एडमिट हुआ हुआ है सी थ्री सेवन शेयर लेकर आया है न्यू रेशियो भी दी हुई है सी ने टू लाख रुपीज़ कैपिटल आई है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल लाया हुआ है ठीक है बच्चे हाफ ऑफ दी जो अमाउंट है गुडविल का वो विड्रॉल कर दिया हुआ है ए और बी ने तो हमें सेक्रीफाइड एशू निकालनी है और हमें जर्नैलिटीज़ करनी है तो सबसे पहले बच्चे सेक्रफाइड एशू का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो तो ओल्ड एशो भी दिए न्यू रेशो भी दिए तो इससे बच्चे सेक्रफाइड एशू आ जाएगी सैक्रीफाइड एशू आ गई टू इज टू वन ठीक है बच्चे सबसे पहले पार्टनर ने क्या लाया सर कैपिटल लाई है और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है तो दोनों प्लस करके मैंने कर दिया कैश अकाउंट डी आर टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अब प्रीमियम फॉर गुडविल हमने ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाई रेशो में तो एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सिक्सटी थाउजेंड टू ए टू बी फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड क्यों क्योंकि टू इज टू वन जो थी वो सेक्रीफाइड रेशो थी फिर हाफ ऑफ दी अमाउंट विड्रॉल कर दिए तो सिक्सटी थाउजेंड को हाफ हो गया थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड रुपीज़ विदड्रॉल कर दिया किसने ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाई रेशो में विड्रॉल होता है तो एज कैपिटल अकाउंट डी आर बीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट तो अकाउंटी थाउजेंड रुपीज ठीक है बच्चे ये क्वेश्चन ऐसे करना था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था बच्चे उसमें पास करनी थी फर्म के एसेट जो हैं वो आ, रिलीज हुए हैं वन लाख रुपीज के तो डिजोल्यूशन का ये क्वेश्चन है तो बैंक अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि पैसा आया हमारे पास क्राइडर्स को ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज पे किए फुल पेमेंट में पे थर्टी थाउजेंड करने थे ट्वेंटी तो सिक्स थाउजेंड पे किए हैं तो बच्चे रिलायंस अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट फिर डिज्रीब्यूशन एक्सपेंस जो थे वो वन थाउजेंड रुपीज पे किए हुए तो इसको बापस हैं तो इसके वापस पैसे किए हैं रिलायंशन अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट फिर अनरिकॉर्डेड एसेट थे वो रिलीज हुए फिफ्टीन हंड्रेड के पैसा आया है बैंक अकाउंट डी आर टू रिलायंशन अकाउंट तो बच्चे ये चारों वारंटियाँ ठीक किए की इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन जो था बच्चे वो था कि प्रोविजन ऑफ कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन फॉर क्रिएशन ऑफ डिपेंचर डिडम्पन रिजर्व डिपेंचर डिडम्पन रिजर्व को क्रिएट करने के लिए क्या क्या जो प्रोविजन थे कंपनी एक्ट टू थाउजेंड के वो क्या क्या रूल्स बताता है उसके लिए तो मैंने सबसे पहले लिखा टाइप्स ऑफ द कंपनी फिर डी आर आर लिखा ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाई आर बी आई इनको डी आर आर नहीं बनाना पड़ता बैंकिंग कंपनीज को डी आर आर नहीं बनाना पड़ता नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को डी आर आर नहीं बनाना पड़ता अदर मैनुफैक्चरिंग कंपनीज को डी आर आर नहीं बनाना पड़ता सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना पड़ता है वो भी टेन परसेंट इसका जो डिपेंसिस की फेस वैल्यू है उसको टेन परसेंट बनाना पड़ता है तो ठीक लिखा है इन्होंने इनको इसको पूरे मार्क्स मिल गए अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था इसमें और था तो इन्होंने और वाला अटैम्प्ट किया हुआ ये वाला क्वेश्चन कि वाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ़ ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म विद और विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट तो बच्चे देखिए फॉर्म डिजॉल्व कैसे होती है डिजोल्यूशन बाई एग्रीमेंट या एग्रीमेंट के थ्रू डिजोल्व हो जाएगी जब पार्टनर का कंसेंट होगा या एग्रीमेंट खत्म होगा तो ये फॉर्म डिजोल्व हो सकती है या कोर्ट के थ्रू कोर्ट के थ्रू कैसे हो सकती है जब फॉर्म सही काम नहीं कर रही है तो वो कोर्ट उसको बंद कर सकता है या पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर दे थर्ड पार्टी को तो वहाँ से फॉर्म को डिजोल्व कर सकता है कौन कोर्ट कर सकता है या पार्टनर अनसाउंड माइंड के हों या पार्टनर इनकेपेबल हो तो कोर्ट उसको डिजॉल्व कर सकते हैं इसके साथ जो और वाला क्वेश्चन था बच्चे वो भी आसान था कंपनी ने वन थाउजेंड डिपेंस इशू किए हंड्रेड के हिसाब से वन हंड्रेड टेन रुपीज उसका जो पे हुए वन टेन, वन टेन के हिसाब से पे हुए मतलब दस रुपये प्रीमियम था पाँच रुपये प्रीमियम हमें अप्लीकेशन में मिल गया तो पाँच रुपये प्रीमियम हमें अलॉटमेंट में मिल गया फाइनल कॉल फिफ्टी रुपीज़ की थी और बोला गया हुए सारे पैसे मिल गए हुए और अलॉट भी हो गए हैं सिर्फ ट्वेंटी डिपेंस के पैसे नहीं मिले फाइनल कॉल में तो ये कॉल इन एरर्स में लिख देंगे तो ये क्वेश्चन भी आसान था पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो ठीक किया इन्होंने तो बस ये लेंथ में प्रॉब्लम थी लेंथ थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी क्वेश्चन की बाकी क्वेश्चन ठीक लिखा था इन्होंने अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टींथ इसमें दो क्वेश्चन हैं एक तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है और एक नॉर्मल क्वेश्चन था तो इन्होंने सेकंड वाला पार्ट करना ठीक समझा क्योंकि बच्चे सेकंड वाले पार्ट में ये बेनिफिट हो जाएगा कि इसमें हमें क्योंकि बच्चे बी पार्ट इसलिए बेटर था क्योंकि ये इजी था और जल्दी आंसर निकल जाता है इसका देखिए एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ वो थर्टी थाउजेंड नार्मल रेट ऑफ रिटर्न टेन परसेंट दिया टोटल एसेट दिया टू लेफ फिफ्टी थाउजेंड आउटसाइड लाइबिलिटी दी है फोर्टी थाउजेंड इन्होंने कैपिटल इंप्लॉय निकाल दिया कैपिटल कैपिल इंप्लॉयो टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज तो इनका कैपिटल एम्प्लॉय निकल गया बच्चे का कैपिटल एम्प्लॉय निकल गया तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन हंड्रेड इससे बच्चा नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया नॉर्मल प्रॉफिट आ गया सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें एवरेज प्रॉफिट भी दिया नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया इससे बच्चा सुपर प्रॉफिट आ गया सुपर प्रॉफिट निकल गया गुडविल निकाल देंगे गुडविल का फार्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड अपॉन एन आर आर तो बच्चे गुडविल भी आ गई तो ये क्वेश्चन उन्होंने बड़े बेटर तरीके से अटैम्प्ट किया नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन था गोल्ड कंपनी जो थी उन्होंने इनवाइट किए हैं फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स फिफ्टी रुपीज़ ईच के हिसाब से तो यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं एप्लीकेशन ट्वेंटी की थी बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एप्लीकेशन अलाटमेंट दोनों थे इकट्ठे एप्लीकेशन अलाटमेंट जो दोनों इकट्ठे थी ट्वेंटी रुपीज़ की बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में था एप्लीकेशन सेवेंटी थाउजेंड की रिसीव हुई है ठीक है बच्चे थे टोटल रुपीज़ फोर्टी थे रिसीव सेवेंटी थाउजेंड के हुए हैं ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ जो है रिजेक्ट कर देने बाकी प्रो डॉटर अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो आसान था क्वेश्चन ये भी बस इसके साथ जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आसान था इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस तो ये हमने इलेवंथ में पढ़ा हुआ है ये हमने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है तो इसको करना बेटर था एज कम्पेयर टू फोर्टीथ क्वेश्चन का जो गोल्ड वाला क्वेश्चन था तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में हमें कम से कम फाइव टू सिक्स पॉइंट लिखने चाहिए डिफरेंस के तो उन्होंने वन टू थ्री फोर पॉइंट लिखे हुए हैं वन टू पॉइंट शॉर्ट है एक दो पॉइंट उनको और ऐड करने चाहिए थे यहाँ पर अगर यही चाहते हैं हमें पूरे इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिले जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रियल ओनर नहीं होते हैं ठीक है नॉट का रियल ओनर इनका वोटिंग राइट होते हैं इनका वोटिंग राइट नहीं होते हैं इनको डिविडेंड फिक्स नहीं मिलता किसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स मिलता है तो इनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलती है सिक्योरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिक्योरिटी मिल जाती है तो बच्चे इस तरीके से ये क्वेश्चन इन्होंने किया बट इसमें एक दो पॉइंट ये ऐड कर लेते हैं तो मे चांसेस बढ़ जाते हैं कि इनको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल जाए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गौतम यशी का पार्टनर है एट मार्क्स का क्वेश्चन है ये गौतम यशी का पार्टनर है हमें ओल्ड एजो भी दी है हमें इनकी न्यू प्रॉफिट भी दी हुई है क्योंकि आसमा इन्होंने एडमिट की हुई है ठीक है आसमा एडमिट हुआ है आसमा को इन्होंने थ्री एट शेयर दिया प्रॉफिट में कैपिटल टू लैक टेन थाउजेंड रुपीज है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज गुडविल है जो आसमान ने लाई है साथ में अब फिफ्टी थाउजेंड रुपीज किसको मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को किसको गौतम और यशिका को किस रेशो में सेक्रीफाइस रेशो में तो बच्चे मशीनरी की डेप्रिशिएट हुई है फर्नीचर की वैल्यू दी है हमें स्टॉक जो है वो टू लैख टेन थाउजेंड रुपीज़ हो गया री वैल्यूड हुआ है प्रोविजन हमने क्रिएट करना है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें लिखा गया हुआ है कैपिटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो ऑन द बेस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एनी एडजस्टमेंट डन थ्रू द अकाउंट इसका मतलब जो पार्टनर्स हैं पुराने वाले उनको न्यू पार्टनर्स की कैपिटल की रेशो के अकॉर्डिंग ही पैसा मिलेगा ठीक है न्यू रेशो के अकॉर्डिंग ही पैसा मिलेगा तो इन्होंने ठीक किया रिवर्शन अकाउंट लिखा यहाँ पे यहाँ पे डेबिट कार्ड लिखना चाहिए था यहाँ पे स्टॉक बड़ा है यहाँ लिखा है मशीनरी कम हुई फर्नीचर कम हुआ प्रोविजन क्रिएट किया बाकी प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया ठीक है इन्होंने जो अमाउंट बचा वो प्रॉफिट इन्होंने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स को अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में क्या था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो इन्होंने सबसे पहले दोनों पार्टनर्स की कैपिटल उतारी फिर न्यू पार्टनर जो कैपिटल आई थी वो लिख दी इन्होंने फिर रिवेल का प्रॉफिट जो था वो लिख दिया अब इन्होंने क्या क्या नहीं लिखा यहाँ पे वर्किंग नोट लिखा इसका गुडविल का ट्रीटमेंट आपको तो बताना चाहिए था गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे हुआ है तो जैसे हमने देखा कि गुडविल का ट्रीटमेंट तो सेक्रीफाइसिंग के रेशो में होता है ठीक है तो गौतम की अगर मैं बात करूं तो गौतम ने कितना सेक्रीफाइस किया ओल्ड रेशियो थी थ्री बाय फोर न्यू रेशियो थी उसकी थ्री बाई एट इसका मतलब थ्री बाई एट रेशो आई ये सेक्रीफाइस किया इसने अब यशिका का वन बाय फोर माइनस टू बाई एट तो बच्चे ये जीरो आया जीरो बाई एट तो ये ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया इसका मतलब गौतम ने खाली सेक्रीफाइस किया तो है तो इसका मतलब ये जो गुडविल का पैसा गौतम को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पचास हज़ार रुपये यहाँ डाल दिया मैंने ठीक है बच्चे फिर जो इन्होंने नेक्स्ट कर क्या करना चाहिए था जो कैपिटल है उसका ट्रीटमेंट बताना चाहिए था इन्होंने गवर्नमेंट बताया अब न्यू पार्टनर ने कैपिटल कितने लाए टू लाख टेन थाउजेंड इन टू अब न्यू पार्टनर का शेयर कितना था थ्री बाई एट इस टू लाख टेन थाउजेंड कितना हो गया थ्री बाई एट अगर सारी कैपिटल निकालनी होगी तो एट बाई थ्री हो जाएगा तो यह है फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड अब इसको न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दो इसको योशी गौतम और यशिका को तो ये टू लाख टेन थाउजेंड वन लैख फोर्टी थाउजेंड तो टू लाख टेन थाउजेंड तो इसका था, ही था किसका जो न्यू पार्टनर आए हुआ है कौन आसमा तो बच्चे फिर इनके एडजस्टमेंट करनी है हमने हमने बताया करंट अकाउंट में यहाँ से अमाउंट यहाँ पे आया किसका गौतम का करंट अकाउंट में तो यशिका का थर्टी वन थाउजेंड रुपीजिका का आ गया ठीक है तो हमने प्लस माइनस कर दिया यहाँ पे अब बैलेंस शीट आसानी से बन जाएगी हमारी तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था तो इनको पूरे मार्क्स मिल जाते देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर सिक्सटींथ इसमें भी और थे दिस वन एंड दिस वन इन्होंने ये वाला क्वेश्चन करना ठीक समझा अब इस क्वेश्चन में क्या गलती की है इन्होंने मैं वो समझाता हूँ आपको बच्चे देखिए ये क्वेश्चन क्यों इजी था क्योंकि इसमें खाली फॉर फ्यूचर की एंट्री करनी थी बच्चे जैसे बोले राजन ने 150 शेयर्स अलॉट किए हैं हंड्रेड रुपीज के हिसाब से ठीक है किसूग डुप्लेक्स कंपनी को ही कुड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल ट्वेंटी फाइव रुपीज नहीं पे हुए फाइनल कॉल पंद्रह रुपये पे नहीं हुई मैं चालीस रुपये नहीं मिले साठ रुपये मिल गए हैं जो मिल गए हैं वो शेयर फॉरफिट में आ जाएंगे जो नहीं मिले वो कॉलिनेर में आ जाएंगे पूरा पैसा यहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब फिफ्टी सॉरी वन फिफ्टी इंटू हंड्रेड वो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड वन फिफ्टी इंटू फोर्टी जो नहीं मिले वो कॉलिनेर्स में आ जाएगा वन फिफ्टी इंटू सिक्सटी वो शेयर फॉरफिट में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था हमने अब सेकंड पार्ट था रेक्स कंपनी है 500 शेयर्स फॉरफिट किए 100 के हिसाब से 10 परसेंट प्रीमियम था मतलब एक रुपये प्रीमियम था एप्लीकेशन चार रुपये थे जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था वो मिल गया हुआ है इसका मतलब प्रीमियम शो नहीं करना है अलाटमेंट के तीन रुपये नहीं मिले हुए हैं इसका मतलब एप्लीकेशन के तीन हो गए अलाटमेंट के तीन हो गए ठीक है बच्चे तो टोटल हो गए छः रुपये फाइनल कॉल जो है वो बनी नहीं है फाइनल कॉल चार रुपये की थी तो ये बने नहीं है तो हमने क्या करना है हमने सिक्स रुपीस लेने थे इन्होंने यहाँ गलती कर दी है सेवन रुपीस ले ली यहाँ पे यहाँ पे सिक्स लेने चाहिए थे ठीक है बच्चे सिक्स इंटू फाइव हंड्रेड थ्री थाउजेंड तीन रुपये नहीं मिले तीन रुपये नहीं मिले ना तो थ्री इंटू फाइव हंड्रेड वो आ गए फिफ्टीन हंड्रेड नहीं मिले तो जो मिल गया वो भी यहाँ पे आ जाएंगे थ्री इंटू फाइव हंड्रेड तो यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस से गलती हुई थी ये इनको ठीक करनी चाहिए थी नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन सेवनटीन इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड इन कंसिडरेशन टू विच ऑफ़ द एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस कंपनी वाइल प्रिपेयरिंग द कैशलेस स्टेटमेंट तो हमें पता ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वन मार्क्स इनको पूरे मिले फिर एडवांटेजेस पूछे की हूँ कैशलेस स्टेटमेंट की इन्होंने दो एडवांटेज लिखी हैं तो इनको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके वर्किंग कैप्टिल का फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिल का करंट एस माइनस करंट लाइबिलिटीज़ ये भी ठीक लिखा हुआ है इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर आते हैं थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है बोला गया हुआ है कि अंडर विच मेजर हेड और सब हेड्स और फोल्डिंग आइटम्स और प्लेस इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल थ्री पार्ट कंपनीस है थर्टीन तो बच्चे किस हेड के अंडर आता है जैसे बोला हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस प्रोविडेंट फंड करंट लाइबिलिटीज यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसिस ये बच्चे करंट एसेट्स के अंडर आते हैं अगर खाली शॉर्ट टर्म लोन लिखा होता तो मैं करंट लाइबिलिटी लिख लेता अब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसिस है तो ये बच्चे करंट एसेट्स के अंदर आएगा तो यहाँ पे इन्होंने एक पार्ट में गलती की है बाकी ठीक लिखा हुआ उन्होंने ठीक है बच्चे अगला देखिए बच्चे यहाँ पे बोला गया वो लिकुड एशू निकालो प्रोपराइटरी एशू निकालो चार नंबर का क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन गिवन है तो लिक्विड एशू का फॉर्मुला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज बच्चे लिक्विड एसेट्स हो गए करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री हमें करंट एसेट्स दिए हुए हैं बच्चे ठीक है हमें बच्चे इन्वेंट्री भी दी हुई है तो यहाँ से मेरा बच्चे लिक्विड एसेट आ गया करंट लाइबिलिटी भी गिवन है बच्चे हमें करंट लाइबिलिटी भी गिवन है वन लाख रुपीस तो बच्चे यहाँ से मेरा लिक्व एशू निकल जाएगी प्रोप्राइटरी एशू का फार्मूला होता है बच्चे शेयर होल्डर फंड अपॉन करंट एसेट्स सॉरी शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है रिजर्व हमें दिए हुए हैं शेयर होल्डर फंड हमें निकल जाएगा यहाँ से तो टोटल तो एसेट्स में फिक्स एसेट करंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बच्चे मेरे पास टोटल एसेट्स भी आ जाएंगे फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे ये भी आसान क्वेश्चन था इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के नेक्स्ट देखिए बच्चे हमें करंट एसेट दिए हुए हैं फिफ्टीन लैक करंट रेशियो है थ्री लिक्विड रेशियो दिए वन पॉइंट टू फाइव तो बोला क्या हुआ करंट लाइबिलिटीज निकालो लिक्विड एसेट निकालो इन्वेंट निकालो तो बच्चे करंट एसेट से मेरी करंट लाइबिलिटीज निकल जाएंगी करंट रेशियो से मेरी करंट लाइबिलिटीज निकल जाएंगी फिर लिक्विड एसेट का फॉर्मूल लगाऊंगा तो बच्चे लिक्विड एसेट्स निकल जाएंगे इससे फिर इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमें पता ही होता है क्या होता है पहले लिक्विड एसिस का फॉर्मला देख लो आप लिक्विड एसड का फॉर्मला हो गया बच्चे करंट एसे माइनस इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री निकालनी है हम इन्वेंट्री यहाँ से निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन आसान था बड़ा इन्होंने बड़े बेटर तरीके से उसको अटैम्प्ट किया देखिए बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन जो था तो इसमें पूछा गया हुआ है कि बताओ ये कौन सी है एक्टिविटी है कैश फ्लो का क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो बच्चे देखिए इन्होंने आंसर अटैम्प्ट किया हुआ है अब देखते हैं क्या क्या, क्या गलतियाँ की इन्होंने जैसे बच्चे फर्स्ट जो है वो पूछा हुआ है इंटरेस्ट पेड तो बच्चे इंटरेस्ट पेड हमें पता होता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है इन्होंने ठीक लिखा हुआ है सेकंड पूछा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी अब देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स जो फाइनेंसिंग कंपनी आ गई बच्चे ऑपरेटिंग हो गया और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी जो होगा बच्चे वो हमारा फाइनेंसिंग कंपनी में आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा ठीक लिखा है इन्होंने फिर इन्होंने लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड अब बच्चे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है ठीक लिखा है इन्होंने इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बैंक अब देखिए बच्चे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बैंक बच्चे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ठीक है तो यहां गलती होगी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी क्योंकि ये बैंक का नॉर्मल काम है फिफ्थ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बच्चे अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ठीक लिखा है उन्होंने फिर लिखा हुआ डिविडेंड रिसीव्ड अब देखिए बच्चे डिविडेंड रिसीव जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है तो ये भी ठीक लिखा है उन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अब नेक्स्ट है डिविडेंड बाई म्यूचुअल फंड कंपनी अब म्यूचुअल फंड कंपनी जो डिविडेंड रिसीव करेगी बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ठीक लिखा उन्होंने फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बच्चे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी ठीक है फिर बोला हुआ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंसिंग कंपनी अब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंसिंग कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ठीक लिखा उन्होंने फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी अब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी ठीक लिखा उन्होंने बैंक बैलेंस बच्चे हमारा कैश एंड कैश इक्वलेंट में आएगा ठीक लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ये भी कैश एंड कैश इक्वलेंट में आ जाएगा बैंक ओवर जो है बच्चे ये इन्होंने गलत लिखा हुआ ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होंगी वो कैश एंड कैश इक्वलेंट में आ जाएगी ठीक लिखा बाकी इन्होंने तो बच्चे मैंने पेपर को डिस्कस किया बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर था थैंक यू स्टूडेंट्स